तो जी आज बनाई थी भाई रसमलाई, मैं जब फर्स्ट ईयर दी गई थी तो मैं इसका डब्बा लेकर आई थी। मैंने कहा भाई ये मैं ट्राई करूँगी, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो ट्राई करते, मैंने कहा आज हम भी ट्राई करते हैं कि भाई कैसा बनता है। अच्छा, इसमें आपने दूध डालना है थोड़ा सा जो है, अगर फॉर एग्जांपल 3 कप आपने दूध डाले तो 2 कप आप पानी डालेंगे। पानी आप उस सूरत डालना कि अगर आप जो दूध है वो पानी वाला इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो मेरा फर्स्ट टाइम था तो मैंने इसमें ये गलती की कि मैंने इसमें चीनी नहीं डाली। आप लोग चीनी थोड़ी सी डाल के इसमें थोड़ा सा कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इसके डब्बे में जो है इन लोगों ने इस तरह जो है वो पेस्ट दिया होता है, साथ में मैंने 2 अंडे फेंटे क्योंकि मैं देसी अंडे यूज़ करी थी, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, अगर आप फार्मी यूज़ करें तो वो एक ही बहुत होगा। आप घी या ऑयल में से दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने भाई घी इस्तेमाल किया क्योंकि ऑयल जो है मेरे कोई खास घर वालों को अच्छा नहीं लगता तो मैंने घी इस्तेमाल किया। जो इस पेस्ट में थोड़ा सा मैंने 3 चम्मच घी डाला था और साथ में जो है अंडा जो है वो 5 चम्मच आपने 5 टेबल स्पून डालना है और फिर अच्छे तरीके से जो है ना इसको चम्मच से इस तरह जो है ना इसको गूंद लेना, अगर हाथ से गूंदना चाहते हैं तब भी ठीक है, मैंने चम्मच से ही गूंदा और इसको थिक सा पेस्ट आपने बनाना है। और जो दूध आपने बॉइलिंग पे रखना है उसको आपने इतना बॉयल करना है कि वो थोड़ा सा कम होकर थोड़ा सा थिक हो जाए, और चीनी भाई कम ही डालना, चीनी ज़्यादा डाली तो फिर गंद हो जाएगा। और इस तरह से जो है ना आपने छोटे छोटे इसके बॉल्स बना लेने हैं। दूध भाई उबलने के बाद जब कम हो जाएगा आपको लगेगा कि भाई मोर देन इनफ है, तो उसके बाद आपने जो बॉल्स बनाए हैं वो इसमें डाल दें। आपने कोई भी अच्छा सा बॉल निकाल लें जिसमें आपको लगता है कि भाई सर्विंग बहुत अच्छी सी होगी, क्योंकि जितनी अच्छी सर्विंग होगी उतना लोग शौक से खाएंगे। फ्रूट जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं, बीच में जो है अच्छे से उसका पाउडर बना लें। थोड़ा सा पाउडर बना के मैंने उसी दूध में डाल दिया था जो बॉयल हो रहा था, ताकि इसमें भी जो है वो बादाम का टेस्ट अच्छा सा चला जाए और अच्छा सा इसका टेस्ट बन जाए। पहले मैंने थोड़े से बड़े बाउल में शिफ्ट कर लिया था, लेकिन उसके बाद मैंने वापस थोड़े से छोटे बाउल में शिफ्ट कर लिया था। उसके बाद इसकी ये हालत थी, ये बहुत ज़्यादा गर्म था, मैंने इसको फ्रीजर में रख लिया। फ्रेंड मैं अच्छी से गार्निशिंग कर ली, ट्राई जरूर करना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम प्लीज़। ओके बाय।